नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपसे बात करूंगा। बेसिकली जो मैं ऑफिस में एक्सपीरियंस करता हूं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो एडमिशन्स वगैरह कराने के लिए आते हैं, तो जो हमारे काउंसलर हैं जो पेरेंट्स के बारे में हमें फीडबैक वगैरह देते हैं, जो हमें बताते हैं, उससे रिलेटेड मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को इंगेज कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाऊँ। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। बेसिकली जो मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स, उनको सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल के बारे में पता है, ठीक है जी। तो वो लोग, और उन्होंने जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफिसर बनने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे टॉप लेवल के बोर्डिंग स्कूल्स हैं, और वो भी गवर्नमेंट के हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे मैं आपको नाम बता दूँ, क्योंकि इंडिया में सिर्फ पेरेंट्स को ज़्यादातर जो नॉलेज है वो सैनिक स्कूल की है, ठीक है जी। लेकिन सैनिक स्कूल से भी ज़्यादा बेस्ट जो है वो मिलिट्री स्कूल है, RIMC देहरादून है, इसके अलावा गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। तो मतलब ये और भी स्कूल्स हैं जो पैरेलली बहुत अच्छे हैं, जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र है वो हरियाणा का नंबर वन बोर्डिंग स्कूल है, इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, वो भी ऑल ओवर इंडिया पे 9th रैंक पर है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए तैयारी करवाई जाती है वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि लैक ऑफ नॉलेज है। अब समस्या ये है कि कई बार पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो सिर्फ सैनिक में ही कराना था, हमें जो है वो मिलिट्री में ही कराना था। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके बच्चे का वो लेवल नहीं है, तो क्यों आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो, क्यों आप खींचातानी कर रहे हो? क्या आर्मी में ऑफिसर बनने का जो रास्ता है वो सिर्फ क्या सैनिक स्कूल ही है? आप खुद अपने आप से ये सवाल कीजिए कि क्या आर्मी में, डिफेंस में, या एक सक्सेसफुल आदमी बनने का, एक अच्छा इंसान बनने का क्या सिर्फ एक ही रास्ता है सैनिक स्कूल? दोस्तों, इस इंडिया में ऐसे 36 तरीके हैं, मतलब हजारों तरीके हैं। आपको सिर्फ ये समझना है, आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन पेरेंट्स को, उन जो बच्चों के गार्जियन हैं, मैं उनको मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उसके बहुत तरीके हैं। तो मतलब मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हर बच्चे का वो लेवल नहीं है कि वो मिलिट्री स्कूल का पेपर क्लियर कर दे, हर बच्चे का वो लेवल नहीं है कि वो सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर कर दे। जो आदमी 5,000 हमारे यहाँ से आते हैं, जो लोग बुक्स वगैरह परचेस करते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे का सर पक्का गारंटी है ना, पक्का क्लियर हो जाएगा ना किताब ले करके। जो 1 महीने का क्रैश कोर्स कराता है, वो भी यही, सर पक्का गारंटी है ना, पक्का क्लियर हो जाएगा ना। जो आदमी 2 महीने की कोचिंग कराता है, वो भी यही सोचता है। जो आदमी 4 महीने की कोचिंग कराता है, वो भी यही सोचता है। जो आदमी 1 साल की कोचिंग कराता है, वो भी यही सोचता है। तो आप ये सोचिए कि क्या हर आदमी अपने अपने हिसाब से एक एक अलग धारणा बना के बैठा हुआ है? तो डिपेंड करता है कि बच्चे का लेवल कैसा है। अगर बच्चे का लेवल अच्छा है, तो वो कई बार जो बहुत टॉप लेवल के बच्चे होते हैं, वो तो किताब लेकर ही वहीं पढ़ के भी कर लेते हैं। लेकिन हर बच्चे का ये लेवल नहीं है। वक्त बदल रहा है, कंपटीशन बदल रहा है, आप उसको तैयारी कराइए। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आप उसको पॉजिटिवली तैयारी कराइए और उसको 4 पेपर 5 पेपर आप दिलवाइए। जितने भी मेन पेपर होते हैं वो 5th और 8th क्लास में होते हैं, ठीक है जी। तो आपके लिए क्या बेनिफिट है कि अगर आपका बच्चा 5th क्लास में है, 4th या 5th में जा रहा है, तो 5th क्लास में बच्चा सैनिक स्कूल का भी पेपर दे सकता है, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ठीक है जी। इसके अलावा सॉरी तो ये जितने भी मेन पेपर हैं बच्चा पेपर दे सकता है। अब अगर आप 5-6 पेपर दिलवाएंगे, तो क्या बच्चा एक पेपर क्लियर नहीं करेगा? आप खुद सोच के देखिए, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को साल की तैयारी करवाते हैं और 5-6 पेपर दिलवाते हैं। तो आपको ये समझना है कि 5-6 पेपर में से कोई एक पेपर तो क्लियर करेगा ना, जो भी उसका लेवल होगा। अब क्या होता है कि हर बच्चे का वो लेवल नहीं होता है कि वो सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर कर दे, क्योंकि सबसे जो टफ पेपर आता है वो मिलिट्री स्कूल का होता है, ठीक है जी। तो मिलिट्री स्कूल में हर बच्चा, इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे, बहुत स्ट्रांग हैं। आप लोग हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, हमारे रिजल्ट्स चेक कर दिए कीजिए। हम मैंने यूट्यूब पे भी सारे जो अपने रिजल्ट्स हैं वो डाले हुए हैं, और आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्रॉपरली
हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो देखें, बच्चों के कांटेक्ट नंबर भी डाले हुए, उनके पेरेंट्स को कॉल करें, बात करें, है ना। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ हमारी बात ही मान करके हमारे यहाँ पे एडमिशन लें, और भी बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, मैंने टेस्टिमोनियल्स भी डाले हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारी टीम जो है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है। तो कोशिश यही है कि रूरल एरिया से लोग निकले, गाँव से लोग निकले, और जो हमारा स्कूल है तो जो डिफेंस कोर्सेज के लिए जो रिक्वायरमेंट है जो हमारे स्कूल में, वो हर तरह की फैसिलिटी है वहाँ पे, और बहुत हाई फाई स्कूल नहीं है। बार बार मैं बोलता हूँ कि जैसे सैनिक स्कूल में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे मिलिट्री स्कूल में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंगली ही, जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में फैसिलिटी, उसके अकॉर्डिंगली हमारा स्कूल तैयार किया गया है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना स्कूल बनाया हुआ है, ताकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े। फीस भी बहुत नॉमिनल है, कि किसान के बच्चे भी हमारे यहाँ से, अभी बहुत सारे फार्मर्स के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि सिर्फ आर्मी वालों के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, सिर्फ जो है लोगों के दिमाग में यही बात बैठी हुई कि सिर्फ डिफेंस पर्सन के ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, सिर्फ सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल जो आर्मी वालों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जो मेरे हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं, आप प्लीज़ चेक कीजिए हमारी वेबसाइट में, हमारी एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर पर जा करके करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी एंड्रॉयड ऐप है, तो आपको पता चलेगा कि किसान के बच्चे भी, गांव गांव से बच्चे निकल रहे हैं और किसानों के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इवन 6-7 बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो यूपी बिहार झारखंड से हैं, जो कि हिंदी मीडियम से आए हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ करके वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो असली जो रिज़ल्ट है वो मुझे खुशी होती है कि उन बच्चों का है जो कि हिंदी मीडियम से, जो कि सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं, और वो लोग जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, हमारे स्कूल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चों पे दबाव मत डालें, ठीक है, उनके ऊपर ये ना थोपें कि नहीं मेरा तो सपना था मिलिट्री स्कूल में ही, सैनिक स्कूल में ही। अरे भाई, जो उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंगली उसको तैयारी करवाने दीजिए। कई बार हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं तो कहते हैं कि हमने वहाँ पे 1 साल की तैयारी कराई थी, 2 साल की तैयारी कराई थी, हमें तो वहाँ पे बेवकूफ़ बना दिया, हमारा साल ख़राब हो गया। दोस्तों, ये कोचिंग आपकी ख़राब नहीं होगी, ये आगे फ्यूचर में आपके बच्चों को उन हज़ारों बच्चों से अलग बनाएगी, उन हज़ारों बच्चों से, उन हज़ारों की जो भीड़ है, लाखों लोगों की जो भीड़ है ना, उस भीड़ से आपका बच्चा अलग होएगा। लेकिन आप जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं, आपका काम आपके बच्चे को मोटिवेट करना होना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना होना चाहिए, ना कि आप उसको डीमोरलाइज करें कि हमने तो 3 साल की तैयारी कराई थी, वो सेलेक्ट नहीं हुआ। इस तरह की चीज़ें, बच्चों के सामने इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जो भी बच्चे डिज़र्व करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो बेस्ट है, जो उन्होंने तैयारी करी है। अगर वो गुरुकुल में सेलेक्ट हैं तो आप ज़रूर गुरुकुल में उनके भेजिए, गुरुकुल बहुत अच्छा स्कूल है, हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लोग दक्षाई का पेपर क्लियर कर रहे हैं तो आप वो वहाँ पे भेजिए, आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोलन में है, हिमाचल में है, बहुत बढ़िया स्कूल है, तो आपको ये समझना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोस डालता रहूँ, मोटिवेटेड रहूँ आप लोगों की जो वीडियोस हैं। और इस वीडियो के नीचे जो है ना, मुझे कमेंट कीजिए, खुल के आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर फीडबैक दो, ठीक है जी। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है वो ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, उसमें हर तरह की जानकारी है, रिजल्ट्स हैं, उसमें मेरी हर नई वीडियोस हैं, उसके अलावा हमारे स्कूल की पूरी डिटेल है, फीस स्ट्रक्चर आपको वहाँ से मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, हमारी जो अदर ब्रांचेस है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।